हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। मेरे साथ है मेरे सहयोगी सतविंदर सिंह। आज हम बात करेंगे जो 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक हुई और उसके बाद अगले दिन जो पाकिस्तान ने हिमाकत की, कुछ प्लेन्स उसके भारतीय वायुसीमा में घुसे और भागे वहां से निकलकर, ऐसे में उसके बाद पाकिस्तान कितने खौफ में आ गया है वो आपको बताएंगे और आपको दिखाएंगे। पहले ही खबर आ रही थी कुछ एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं और कुछ फ्लाइट्स रोक दी गई हैं भारत में भी, पाकिस्तान में भी, लेकिन हकीकत में क्या हुआ है? एक सिंगल फ्लाइट पाकिस्तान में नहीं दिखाई दे रही और आपको सबूत के साथ दिखाएंगे। और भारत में क्या है स्थिति और पाकिस्तान में क्या स्थिति है, कितने खौफ में आ गया पाकिस्तान। पहले इमरान खान ने जो बयान जारी किया उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि कश्मीर का नाम तक नहीं लिया, और दूसरा ये जो बात की है उन्होंने कि जो आपको फ्लाइट में दिखाने जा रहे हैं सतविंदर सिंह, जो एक एक फ्लाइट को उन्होंने रद्द कर दिया है, कोई भी नहीं दिखाई दे रही। सबूत के साथ सतविंदर सिंह दिखाएंगे, फ्लाइट रडार ऐप है जिसमें सारी चीज़ें दिखती हैं। सतविंदर जी, जी ये एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है फ्लाइट रडार। इसमें आप लोग देख ही सकते हैं कि गुजरात से लेकर पंजाब और फिर ऊपर जम्मू कश्मीर तक कोई फ्लाइट नहीं चल रही है। ये जो छोटे छोटे आइकन्स आपको दिख रहे होंगे ये फ़्लाइट के आइकन्स हैं, ये सारी की सारी एक्टिव फ़्लाइट्स हैं अभी इस समय। और यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, ऊपर पंजाब, लुधियाना, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर, अगर हम पाकिस्तान की तरफ भी देखें तो यहाँ पर फ्लाइट दिखती है, एक भी कोई फ़्लाइट यहाँ पर तजाकिस्तान में, वो ऊपर तजाकिस्तान से फ़्लाइट डाइवर्ट हो रही हैं और यहाँ पर नीचे की तरफ से फ़्लाइट जो हैं डाइवर्ट हो रही हैं। जबकि भारत में ये सारी फ़्लाइट्स अभी एक्टिव हैं, उड़ रही हैं, सारे फ्लाइट्स जो दिख रही हैं, एक भी भारत का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा खौफ में आ गया है पाकिस्तान की एक भी फ़्लाइट, एक भी सिंगल फ़्लाइट पाकिस्तान की इस ऐप के रडार पे नहीं दिख रही है। फ़्लाइट रडार ऐप है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में दिखाता है प्रेजेंट पोजीशन क्या है। लोग फ्लाइट चेक करने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं और इस ऐप में ये आप देख सकते हैं लाइव पाकिस्तान में एक सिंगल फ्लाइट इस वक्त नहीं उड़ रही है। साफ साफ खौफ है पाकिस्तान के दिलों में, पाकिस्तान के लोगों के दिलों में, वहाँ की सरकार के दिलों में, और इसके चलते एक एक फ्लाइट ऑपरेशन वहाँ कैंसिल कर दिया गया है। सिविल फ़्लाइट्स और बाकी की भी फ़्लाइट्स के बारे में आपको बता दूं। दूसरा जो खौफ वो कश्मीर से जुड़ा है, जो आप अगर दोबारा आपको गूगल में मिलेगा, आप इमरान खान का पूरा स्टेटमेंट सुनिए या देखिए जो स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया। उन्होंने कहा है लास्ट में कि कैसे, हालांकि वो पाकिस्तानी आवाम को संबोधित कर रहे थे लेकिन आखिर में आते आते उन्होंने नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री को संबोधित किया और कहा कि आइए हम बैठते हैं और आतंकवाद पे चर्चा करते हैं। ये अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कश्मीर का नाम लिए बिना केवल आतंकवाद पर चर्चा का ऑफर किया है। इस बारे में और जो बड़ी खबर होगी हम आपको बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।